हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रोप कटिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवेन एन रोप्स, ए कट ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन रोप्स सच दैट ऑल ऑफ देम आर रिड्यूस्ड बाय द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट रोप। डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोप्स लेफ्ट आफ्टर एवरी कट ऑपरेशन अंटिल द लेंथ ऑफ ईच रोप इज जीरो। तो बेसिकली हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसमें बहुत सारे रोप के लेंथ को दर्शाया गया है। तो हमें बताना है कि हमें इसमें कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे हमें फर्स्ट बारे में क्या करना है कि जो सबसे छोटा इसमें एलिमेंट है, जिसका लेंथ सबसे छोटा है, उतना हर एक एलिमेंट में से माइनस करना है। और जैसे आप माइनस करोगे तो फिर पता चलेगा कितना एलिमेंट बचा है। तो फिर उसमें से जो छोटा रहेगा, सबसे छोटा, उसको माइनस करना है हर एक एरे के एलिमेंट से, और लास्ट तक माइनस करते जाना है जब तक आपका एलिमेंट जीरो नहीं बन जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन काफी अच्छा तरीका समझाता हूँ और फिर हम लोग जानेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रोप कटिंग। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। तो जैसे हमारे पास एक एरे दिया गया है, एरे इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा वन है। तो फर्स्ट बारे में क्या करना है कि वन हर एक एलिमेंट में से वन माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फोर, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ फोर। तो जब फर्स्ट बारे में से आप जब फर्स्ट बारे में सबसे छोटे एलिमेंट को आपने माइनस कर दिया है, तो कितना एलिमेंट इसमें बच गया जो जीरो से ऊपर है, तो आप कहोगे सर एक, दो, तीन, चार। तो आंसर में पहले चार आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, जीरो को छोड़कर सबसे छोटा एलिमेंट वन है, तो फिर इसमें से वन माइनस करो, तो जाएगा थ्री, जीरो, 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 वन और थ्री। अब इसमें कितने एलिमेंट बच गए, तो आप बोलो सर वन, टू, थ्री, थ्री एलिमेंट बच गए, तो आंसर में थ्री भी पुट कर दो। ठीक है, अब देखो अब इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो आप बोलो सर सबसे छोटा हमारा वन है, तो वन इसमें से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा टू, जीरो, 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 जीरो और टू। अब इसमें कितने एलिमेंट बच गए, तो आप बोलो सर टू बच गए। फिर अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो आप बोलोगे सर टू है, तो टू को माइनस कर दो, सब में से टू माइनस कर दो। जब सब में से टू माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, ये सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो गया। तो पहली बारी में जब हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना एलिमेंट बचा है, फोर, दूसरी बारी में थ्री, तीसरी बारी में टू, तो हमें आंसर इसको रिटर्न कर देना है। तो आई थिंक अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक एरे दिया गया है, हमें क्या करना है, फर्स्ट बारी में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हर एक नंबर में से क्या करना है, रिड्यूस करना है, हर एक नंबर में से माइनस करना है, और फिर देखना है कि कितना एलिमेंट बच गया है जो जीरो से ज्यादा है। ऐसे ही करते जाना है जब तक हर एक एरे का एलिमेंट जीरो नहीं बन जाए। आप यहाँ देख सकते हैं जब हर एक एलिमेंट जीरो बन गया है, उससे पहले हमने तीन ऑपरेशन किया है और फोर, थ्री, टू एलिमेंट बचा है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बनेगा कैसे, कैसे बनेगा सर, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे एरे यहाँ दिया हुआ है फाइव, वन, वन, टू, थ्री, फाइव। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एरे को कर लेना है शॉर्ट, या फिर आप एरे को अगर शॉर्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, जिससे आपको सबसे जो छोटा एलिमेंट है, मिनिमम एलिमेंट, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे लेट्स से आपको वन पता चल गया, तो अब क्या करना है, एक फोर लूप चलाना है और हर एक एलिमेंट में से आपको जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको माइनस करना है। आप माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद फिर आपको काउंट करना है कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो जीरो से ग्रेटर हैं। जो जीरो से ग्रेटर अगर होंगे उनको काउंट कर लेना है और उनका काउंट एक वेक्टर में, एक वेक्टर बनाना है, उसमें डाल देना है। जैसे पहले हमने फोर डाल दिया, फिर मैं उनमें से मिनिमम निकालूंगा, सेकेंड पास में जो एलिमेंट बचा है उसमें सबसे मिनिमम कौन है जीरो को छोड़कर, उसको मैं निकालूंगा। फिर उसमें से हर एक एरे के एलिमेंट में से उस एलिमेंट को मैं माइनस करूंगा और फिर से उसका काउंट काउंट करूंगा। तो इस तरह अगर मैं करूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर के आसपास लग जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना लग जाएगा, ओ ऑफ क्या, ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो सर यार इससे भी क्या कोई बेटर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ बिल्कुल करता है। चलो वीडियो में आगे दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है फाइव, वन, वन, टू, थ्री, फाइव, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेना है। अभी मैं बताता हूँ शॉर्ट से क्या फायदा हुआ, शॉर्ट करो तो क्या हो जाएगा, वन, वन, टू, थ्री, फाइव, फाइव। इससे क्या फायदा है सर, इससे ये फायदा है कि अगर मैं दो नंबर का इधर का डिफरेंस निकालूंगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा,
सपोज करो वन और टू, टू में से मैंने वन को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया वन, जो वन से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या कि इसके राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट होंगे वो उनका भी डिफरेंस वन से ग्रेटर होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। यस, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा एलिमेंट है इसको मैं करंट मान लूंगा, करंट करंट एलिमेंट है, और एक मैं यहाँ शुरू करूंगा जे यहाँ से, या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, मैं यहाँ शुरू करूंगा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, क्योंकि मैं शॉर्ट कर चुका हूँ, मैं शॉर्ट कर चुका हूँ तो मुझे पता चल गया कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो मिनिमम एलिमेंट होगा, मिनिमम, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया है। तो मुझे ये बात पता चल गया कि जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही मिनिमम होगा, मुझे बार बार मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे इसमें पड़ रही थी कि मैं मिनिमम निकाल रहा था, एरे को ट्रावर्स कर रहा था और मिनिमम निकाल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एरे हमारा सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ जो जे है इसमें से करंट एलिमेंट को माइनस करूंगा और चेक करूंगा क्या ग्रेटर देन जीरो है। तो मैं देख रहा हूँ हमारा जे, एरे ऑफ जे कितना है वन, वन माइनस वन कितना होता है जीरो, क्या जीरो से ग्रेटर है, नहीं जीरो से ग्रेटर नहीं। हमें क्या चाहिए कि ऐसा डिफरेंस निकालना है जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, वही एलिमेंट हम काउंट कर पाएंगे। तो मैं फिर क्या करूंगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ जे मतलब टू, टू माइनस वन करेंट एलिमेंट ग्रेटर देन जीरो है, वन ग्रेटर देन जीरो है। हाँ, जब वन ग्रेटर देन जीरो है तो अब मुझे थ्री माइनस वन, फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा रखा है। तो जो जब जे, जे का वैल्यू जब टू है तब इसका डिफरेंस जीरो से ज़्यादा है इसके साथ, अगर थ्री रहेगा फिर भी रहेगा, फोर फाइव रहेगा फिर भी रहेगा। तो इससे मैं क्या समझे, इससे मैं चीज समझे कि अगर मैं इसका सिर्फ डिफरेंस निकाल लिया हूँ, एरे ऑफ जे माइनस करेंट, अगर इसका डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट हैं सबका डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सबको चेक करने के बजाय मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाया रहूँगा, उसमें क्या पुश कर दूंगा वेक्टर में, जो इसका लेंथ है एन माइनस जे। तो एन का, एन कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, एन सिक्स है। जे का वैल्यू कितना है, जीरो वन टू, इसका इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होगा, तो जीरो वन टू, टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा, फोर, मतलब पहले हमारा वेक्टर में फोर चला गया, फोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जब फोर चला गया तो अब हमारा मिनिमम कौन बचेगा, वन तो हमारा मिनिमम था, लेकिन इसके बाद मिनिमम क्या होगा, और मिनिमम हमारा हो जाएगा ए, जे वाला एलिमेंट और जे प्लस प्लस जे। यहाँ अब देखो, अब एरे ऑफ जे माइनस करेंट फिर मैं करूंगा तो थ्री माइनस टू, ए बी ग्रेटर देन हमारा जीरो है। जब ए बी ग्रेटर देन है मतलब सेकेंड पास में कितना एलिमेंट हमारा बच जाएगा, तो बच जाएगा कितना, एन माइनस जे, सिक्स माइनस थ्री, थ्री, तो इसमें थ्री चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, जे को प्लस प्लस करूंगा और करंट हमारा यहाँ आ जाएगा, करंट हमारा अब थ्री हो गया, थ्री। अब मैं चेक करूंगा फाइव जो है, फाइव ग्रेटर, फाइव माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, हाँ, तो इसका मतलब क्या, इसके राइट हैंड साइड में और भी एलिमेंट होगा और भी ग्रेटर देन होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर एन माइनस जे करूंगा, एन माइनस जे तो कितना जाएगा, सिक्स माइनस हमारा फोर कितना जाएगा, टू, आंसर टू आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, करंट इधर बढ़ाऊंगा और जे इधर बढ़ाऊंगा, करंट हमारा यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों आपस में बराबर है, तो मिनिमम तो हमारा यही है, यही है, आपस में बराबर, जैसे बराबर हो जाएगा कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फोर थ्री टू, यही हमारा क्या होगा आंसर। कैसे हुआ सर, हमने कुछ नहीं किया है, एरे को शॉर्ट कर लिया है। एरे को शॉर्ट करने से क्या फायदा हुआ है, एरे को शॉर्ट करने से, फिर मैं बता देता हूँ, एरे को शॉर्ट करने से ये फायदा हुआ कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वही हमारा मिनिमम एलिमेंट है, हमें पता चल गया। जब हमें मिनिमम पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, इसको करंट मान लूंगा, यही करंट है, और इसके आगे से एक वेरिएबल शुरू कर लूंगा, आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ जे माइनस करेंट एलिमेंट करूंगा और उसका डिफरेंस चेक करूंगा कि ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो मुझे उसे छोड़ देना है, जब जीरो हो जाएगा तो मुझे उसे क्या करना है, छोड़ देना है। तो मैं चेक करूंगा क्या ग्रेटर देन जीरो है, अगर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो है तो मैं क्या करूंगा कि इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका भी डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होगा। जैसे देखो यहाँ वन है और यहाँ टू है, अगर टू माइनस वन, टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या थ्री माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो होगा, फाइव माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो होगा, फाइव माइनस वन भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबको अब चेक करने के बजाय जो इसका एन है लेंथ उसी में से जे को माइनस कर दूंगा, तो नहीं पता चल जाएगा कि कितना एलिमेंट हमारा है, हाँ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, कुछ नहीं है। चलो मैं तुमको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। हमने क्या किया, पहले एरे को सॉल्व कर लिया, फिर
फिर एक वेक्टर बना लिया है और करंट एलिमेंट को सबसे पहला मान लिया है और जे को जीरो से शुरू कर दिया है। जब तक करंट नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ एन माइनस वन, मतलब जब तक करंट और लास्ट एलिमेंट बराबर नहीं हो जाता तब तक तो क्या करना है, एरिया ऑफ जे में से करंट को चेक करना है कि क्या ग्रेटर देन जीरो है। अगर है तो वेक्टर में पुश कर दो एन माइनस जे कि इतना एलिमेंट अभी फर्स्ट राउंड में बच जाएगा, फर्स्ट राउंड में इतना एलिमेंट बच जाएगा जो जीरो नहीं होगा, और करंट को फिर एरिया ऑफ जे फिक्स कर दो और जे को प्लस प्लस करते रहो, लास्ट में वी को रिटर्न कर दो। तो अगर मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो कितना जाएगा, सॉर्टिंग के लिए ओ ऑफ एन लॉग एन, और ये हमारा एक बार चलेगा, प्लस ओ ऑफ एन, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, एन लॉग एन, तो यही हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा क्या होगा, ओ ऑफ एन, वर्स्ट के सिनारियों में, नहीं तो हालांकि पूरा का पूरा एलिमेंट वेक्टर में जाने वाला है नहीं, ठीक। और सेम टू सेम यही कोड हमने जावा में लिखा है, आप देख सकते हो एक भी मतलब लाइन इधर उधर नहीं है, सारा सारा वही कोड है, तो इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, और उससे पहले यार अगर आप डीएसए का हैंड रिटन नोट चाहते हो तो आप इस लिंक को विजिट कर सकते हो, इसको ले सकते हो, या फिर आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो डीएसए वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो आप जीएफजी के इस डीएसए को पढ़ सकते हो जो सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेज में है। अगर आप इस कूपन कोड को लगाओगे तो आपको 600 का एडिशनल डिस्काउंट अभी मिलेगा, नहीं तो फ्यूचर में आपको 400 का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो चलिए मैं आपको कोड अप रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आपको लगे कि हाँ हमने चीज़ें जो सीखी हैं वो हमारा इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो सिंपली मैं इसको सबमिट पर कर दूंगा क्लिक। मैंने बहुत बार इसको सबमिट करके देखा है तो मैं डायरेक्ट इसको सबमिट ही कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको जावा कोड दिखाता हूँ, जावा कोड हमने लिखा है कि नहीं, हाँ जावा कोड भी हमारे पास है, तो मैं इसको भी कर दूंगा सबमिट। और कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज दोस्तों में भी शेयर कर दो। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप इस वीडियो की लिंक को वहाँ स्टोरी में लगा सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।